एक मिनट लाइन नहीं लाइन नहीं लाइन पादे पंखा लगे तू सारे नहीं पंखा लाइट रहा चिची देवी दा और सांचे दरबार की पीछे मारो लम पीछे लब दे ना आ ये तो थोड़ो बार बार देखिए आज पहला नवरात्रा है, आप सब जानते हैं, और आज यहाँ आके मैंने पूजा में बैठी हूँ और माता के दर्शन किए हैं, और ये कामना की है कि सब ना केवल सांबा जिला पे बट हर किसी पे माता रानी की कृपा बनी रहे। जहाँ तक अरेंजमेंट्स का सवाल है तो वो उसमें हमने बहुत पहले से ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ास तौर पर यहाँ पे चिची माता जो ट्रस्ट जो कमेटी है उनके साथ मिलके बहुत जो प्रबंध जितने भी करने हैं वो सारे उसका पहले ही लेखा जोखा ले लिया गया था काफ़ी दिन पहले, और सभी अलग अलग जो महकमे हैं जिनका जो जो काम है वो उनको सौंप दिया गया है। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि पूरे सांबा ज़िला में एक जो फेस्टिविटी का एक माहौल रहना चाहिए, जो नवरात्रों में एक जो अच्छी वाइब्स एक रहनी चाहिए वो रहें, और जहाँ कहीं भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी उसके लिए हमारे सभी ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस हैं कि इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेंगे और जहाँ कहीं भी कोई ज़रूरत होगी उसको हम पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसा आपको मालूम है कि ख़ास तौर पर यहाँ पे चिची माता में बहुत श्रद्धालु आते हैं, तो उनकी जो जैसे एक क्यू सिस्टम है या उनको अगर पानी की व्यवस्था है उनके और जो उनकी मौलिक सुविधाओं की जो आवश्यकता है उन सब का एक लेखा जोखा यहाँ पे लिया गया था और पूरी व्यवस्थाएँ जो हैं वो इन प्लेस हैं। और जैसे जैसे हमें यहाँ पे कोई भी अगर ऐसी चीज़ हमारे नोटिस में आती है कि उसको अरेंजमेंट को करने की ज़रूरत है तो वो भी हम इमीडिएटली कर देंगे। सबसे पहले तो मैं हमारे मतलब कि सारे देशवासियों को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि ये नवरात्रि सबके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशमंगल हो, मतलब कि सबकी फैमिली से ही रहें, क्योंकि कोविड के बाद ये पहली बार हो रहा होगा कि सब मंदिरों में भारी मात्रा में यात्री जा रहे हैं दर्शन के लिए, क्योंकि कोविड की वजह से कोई भी नहीं जा पा रहा था। तो इस बार ये देखा जा रहा है, यहाँ पे देखिए कैसे पहले नवरात्र में आपको काफ़ी तादाद में यहाँ पे यात्री मिलेंगे। मैं भी कठुआ की रहने वाली हूँ, यहाँ पर स्पेशल आई हूँ आज फर्स्ट नवरात्र में माथा टेकने के लिए माता रानी के आगे। लेकिन अभी इस नवरात्रों में क्या है कि सबसे ज़्यादा दुखी इस टाइम हमारी गौ माता है। आप देख ही रहे हैं कि जो वायरस आया हुआ है उनकी बॉडी पे जो मतलब वो खांचे निकल रहे हैं, तो उसकी वजह से वो बेजुबान जानवर है बेचारे, वो तो कुछ बोल भी नहीं पाते, इंसान फिर भी बोल पाता है। तो मेरी माता रानी से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द ये बीमारी मतलब उससे मुक्ति मिल जाए, हमारी गौ माता भी सुरक्षित रहे, हमारे देश के लोग भी सुरक्षित, बच्चे ठीक रहें, क्योंकि अभी आपको पता है जो टोमेटो फ्लू आया हुआ है, टोमेटो वायरस बच्चों को मतलब हाथ पाँव में छोटे छोटे दाने हो रहे हैं, तो बस ये पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब दो तीन सालों में एकदम से इतना बड़ा चेंज आया है। तो मतलब मैं यही प्रार्थना कर रही हूँ कि माता रानी सबको ठीक ठाक रखना, सबके लिए नवरात्रि बहुत ही अच्छे हो, अगेन सबको हैप्पी नवरात्रि। आज शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, सुबह 4 बजे उठे, घर में पूजा की, अब माता जी के इधर आए हैं, पहले हमने अपने पोते के बाल उतारे इधर, अब माता जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि सुख शांति रहे सब में। ये 9 नवरात्रे हैं, हमारी कोशिश यही है कि हमारी कोशिश है कि हम रोज़ आएँ इधर और माता जी की पूजा पाठ करें और सुख शांति से जो सब कुछ हो, और 10वें दिन हम माता का इधर ही विसर्जन करें बस, और हमारे इधर जम्मू कश्मीर में सुख शांति रहे, हर घर में सुख शांति रहे, जैसे इस बार नवरात्रे खुशी से आए ऐसे ही हर बार आए। जय माता।